तो मेरे वीडियो में दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास एक फ़ोन आया है, चाइना का फ़ोन है दोस्तों, और कलेक्टर नाम कंपनी का फ़ोन दोस्तों। और इसमें क्या है कि डिस्प्ले टूट चुकी है, डिस्प्ले को आप चेंज करेंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिस्प्ले चेंज कैसे कर सकते हैं ये कीपर वाले फ़ोन में। ईजी तरीका बताऊँगा। और आप ऐसे फ़ोन के, आप किसी फ़ोन के भी ऐसे फ़ोन, आपके पास ऐसा फ़ोन होगा तब किसी फ़ोन का भी आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपका इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर देना। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें जो डिस्प्ले है कि हम रिप्लेसमेंट करने वाले दोस्तों। ये डिस्प्ले बाजार से लेके आया हूँ दोस्तों, ये बाजार डिस्प्ले लेके आया दोस्तों, डिस्प्ले में लगाने वाला हूँ। और इसकी जो डिस्प्ले उड़ चुकी है, कस्टमर बोल रहा था कि फ़ोन मेरे हाथ से गिर चुका है, तो डिस्प्ले उड़ गई, मतलब डिस्प्ले देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो डिस्प्ले पूरी उड़ चुकी है दोस्तों। तो आवाज़ आई, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी डिस्प्ले हम चेंज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम देखें बताएंगे कि आपको डिस्प्ले कैसे चेंज करना है दोस्तों। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल कलेक्टर शेल्टर C1 मॉडल है दोस्तों। और देख सकते हो शेल्टर C1 मॉडल है दोस्तों। तो आज आपको बताने वाला दोस्तों कि आपके पास ऐसा फ़ोन आए, अगर आपके फ़ोन में घर पे आपके पास ऐसा फ़ोन हो डिस्प्ले का, मतलब कीपैड वाला, आपके घर पे कीपैड वाला फ़ोन हो, चाइना का फ़ोन आपके पास, तो आपको आप खुद अपने घर में आप ये डिस्प्ले चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो आज आपको बताने वाला हूँ, ये डिस्प्ले आपको बाजार मार्केट में 250 रुपये या 200 रुपये के आसपास में आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। तो आप खुद ये डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी डिस्प्ले चेंज कैसे करना दोस्तों। देखिए मैंने इसको ऑलरेडी स्क्रू खोल रखी है, ज़्यादा टाइम ना हो, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। और इस वीडियो इस मोबाइल को मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। देखिए ओपन, तो मैं नाखून में बड़े बड़े दोस्तों, इससे मैं इसके सहायता से मैं मोबाइल ओपन कर लेता हूँ। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, आपके पास अगर चिमटी होगी तो आप इस तरीके से भी आप मोबाइल को ओपन कर सकते हो दोस्तों। देखिए ये जो मोबाइल है ये ओपन हो चुका है दोस्तों। और ये मोबाइल की बॉडी, इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्प्ले लगी हुई है इसको हम चेंज कर दें दोस्तों। ये जो डिस्प्ले लगी हुई है इसको चेंज कर दें, क्योंकि आप देख सकते हो, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिस्प्ले जो है कि उड़ चुकी है। तो हम इस डिस्प्ले को क्या करेंगे, बदल देंगे सिंपली। आप भी ये डिस्प्ले बदल सकते हो दोस्तों, बहुत आसान है। आप अगर किसी दुकान वाले के पास जाओगे तो दुकान वाला आपके पास 350 रुपये ले लेगा, मतलब चार्ज ज़्यादा ले लेगा आपको। तो आप ये काम घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन होगा तो आप ये काम घर पे ही कर सकते हो सिंपली, बहुत इजी तरीका है। और आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए पड़ेगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक सोल्डर आयरन चाहिए बस, और एक ये चाहिए बस। ये क्या बोलते हैं, सोल्डर आयरन इसको बोलते हैं, इसको सोल्डर आयरन या सोल्डर वायर बोलते हैं। और एक ये नेक चिमटी वगैरह, ये सामान आपको बाजार में मिल जाएगा या फिर किसी मोबाइल के शॉप पर आपको मोबाइल 100-200 रुपये का आपको ये सामान मिल जाएगा, चिमटी वगैरह। तो आप लाके आप मोबाइल खुद रिपेयर कर सकते हो, आप चाहो तो इससे पैसे भी कमा सकते हो दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये डिस्प्ले कैसे निकालना है दोस्तों। तो मेरा शोल्डर आयरन तो बहुत गर्म है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले निकालनी है दोस्तों। आपने फ़ोन ओपन कर लिया तो आपको ये डिस्प्ले निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिब्बी लेनी पड़ेगी। ये जो मेरे पास डिब्बी है इसको बोलता हूँ पेस्ट, ये बाजार में मुझे 10 रुपये की मिल रही है दोस्तों। मैं 10 रुपये की बाजार से लेके आया हूँ, तो आपके आसपास भी दुकानों में 10-20-15 रुपये में मिल जाएगी दोस्तों आपको। तो आपको एक सिंपली आपको ऐसे पेस्ट लेना है, पेस्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखिए आप यहाँ पे पेस्ट क्यों लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चाहूँ तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, पर अगर मैं पेस्ट लगा के निकालूंगा क्या दोस्तों, तो क्या होगा कि ये डिस्प्ले के प्रिंट नहीं उखड़ेंगे। अगर प्रिंट उखड़े होंगे तो फिर आपको डिस्प्ले लगाने में तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, ये इस पर हल्का हल्का सोल्डर लगाता हूँ। देखिए ये आप बिंदु बन रहा है इसके ऊपर, तब मैं इस डिस्प्ले को मैं निकालने वाला दोस्तों, इस डिस्प्ले को मैं निकालने वाला हूँ और चेंज कर दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको रखना, और आपको ये हल्के हाथ से, आपको ये उंगली से आपको हल्का हल्का उठाना। देखिए पहले तो यहाँ पे रखना है, हल्का हल्का सब घुमाना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, आप देख सकते हो मेरा वीडियो, सिंपली आपको ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। देखिए देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑटोमेटिक निकल रही है दोस्तों, ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सिर्फ थोड़ा ऊपर खींच रहा हूँ दोस्त, हल्के 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 हाथ से खींचना है, सिर्फ आपको हल्के हाथ से खींचना है। अब ये डिस्प्ले कुछ काम की नहीं है फिलहाल तो। तो देखिए आप देख सकते हो डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में क्या, ये खड्डा पड़ चुका है दोस्तों यहाँ पे, मतलब खड्डा नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले इतनी उड़ चुकी है दोस्तों। देखिए जो पॉइंट हो गया आप कुछ आप ये सही कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट शॉर्ट होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे करना आपको, तो आपके जो पॉइंट शॉर्ट होंगे ना वो फट जाएंगे दोस्तों। अब ये देखिए, ये मार्केट से मैं डिस्प्ले लेकर आया हूँ नहीं,
मेरी डिस्प्ले मुझे 150 रुपये की मिली दोस्तों, बाजार से डिस्प्ले लेके आया हूँ। तो इस डिस्प्ले को मैं लगाने वाला हूँ इस फ़ोन में, वो इस फ़ोन को मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो ये जो मेरे पास फ़ोन है कस्टमर का दोस्तों, तो देखिए मैं डिस्प्ले लगाता हूँ, तो आप क्या करो कि आप थोड़ा और पेस्ट लगा दो इस पर, जिससे क्या बहुत अच्छी डिस्प्ले हो जाएगी दोस्तों। मतलब डिस्प्ले सोल्डर अच्छा रहेगा तो अच्छे काम करेगी और अच्छी तरह से चिपक जाएगी दोस्तों। देखिए आप देख सकते हो, दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं फिर भी। तो देखिए आप यहाँ पे डिस्प्ले को लगा दूंगा दोस्तों, देख सकते हो आप वीडियो में। और यहाँ पे 24 पॉइंट भी होते हैं, 24 पॉइंट भी होते दोस्तों, इसको देखिए। देखिए इसमें आपको आप 24 पॉइंट की डिस्प्ले भी ले सकते हैं दोस्तों, और इसमें आपकी डिस्प्ले 20 पॉइंट की डिस्प्ले भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चालू होता है, एक से लेकर 24 तक डिस्प्ले लग सकती है। मैं इस पर 20 पॉइंट की डिस्प्ले लगाने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे पास 20 पॉइंट की डिस्प्ले मेरे पास ये अवेलेबल है, बाजार से लेके आए हैं डिस्प्ले, तो उसको हम लगाएंगे और आपको बताएंगे डिस्प्ले चेंज कैसे करते हैं सिंपली तरीका से। और मैं जूम कर दिया दोस्तों, अब देखना आपको क्या करना है। ये आपको डिस्प्ले पे बराबर पॉइंट पे रखना है। देखिए आप, मैं यहाँ पे 24 पॉइंट है, तो यहाँ पे एक है, इधर एक है, इधर एक है। देखिए ये रख दिया है दोस्तों, अभी रखें यहाँ पे। सिंपल से आपको ऐसे से कर देना दोस्तों, शोल्डर से आपको ऐसे से कर देना। देखिए मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल ही तरीका, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर देना। यहाँ पे ऐसे 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 कर देना दोस्तों। और शोल्डर आपको गर्म होना चाहिए अच्छा। देखिए मेरा शोल्डर बहुत गर्म है, और यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ सिंपली। देखिए और आप ध्यान रखना इसी बात का कि कोई भी पॉइंट शॉर्ट ना हो आपस में, कोई भी आपस में पॉइंट शॉर्ट ना होना। तो देखिए मैंने डिस्प्ले लगा दी दोस्तों, देखिए कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं दोस्तों, और कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी डिस्प्ले वाइट आएगी दोस्तों। तो देखिए मेरा कोई भी पॉइंट शॉर्ट नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये 24 पॉइंट डिस्प्ले तो आपको यहाँ से लगानी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से यहाँ पे 20 पॉइंट की डिस्प्ले दोस्तों, तो 20 पॉइंट की डिस्प्ले यहाँ तक आती है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। और इसके नीचे अगर ये ट्रैक काम ना करे, आपको डिस्प्ले वाइट आया, तो आप नीचे लगा देना, यहाँ पे आपकी डिस्प्ले आ जाएगी पूरी। नहीं तो अगर ये काम कर रही है तो यहाँ पे लगा सकते हो आप। मैंने लगाई है दोस्तों, चलो चेक कर लेते हैं डिस्प्ले आई कि नहीं आई। यहाँ पर बैटरी और ये हम फोन को चालू करके देख लेते हैं, हमारा जो काम हमने डिस्प्ले लगाई है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, आ गई डिस्प्ले। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, और नई नई वीडियो की अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों। देख सकते हो आप, ये यहाँ पे डिस्प्ले पूरी प्रॉपर तरीके से आ गई दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो हम इसको फिट कर देंगे, देखिए कंप्लीट।